द गेटवेचे पार्टनर आणि साई डेव्हलपर्सचे पार्टनर नलिन शर्मा यांच्या वतीनं वाशीतील बी टाईप अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी उभारण्यात आलेली घरे ही कुटुंबातील वाढती संख्या पाहता या ठिकाणच्या रहिवाशांना अपुरी वाटत होती. तसेच सिडकोच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या होत्या. रहिवाशांना भेडसावणारी ही समस्या लक्षात घेत शर्मा यांच्या वतीनं पूर्वीच्या बी टाईप ओनर्स असोसिएशन सेक्टर 6 वाशी भूखंड क्रमांक 3 या ठिकाणी नव्याने सी व्ह्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. कायमस्वरूपी पर्याय निवास करार हा महारेरा कायद्यानुसार प्रत्येक बांधकाम विकासकांना खूप महत्वाचं असून तशा गाईडलाईन्स आहेत आणि ही सर्व विकासकाने पाळणे बंधनकारक आहे. त्याचं तंतोतंत पालन करत सी व्ह्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज पार पडली. या सभेत कायमस्वरूपी पर्यायी निवास कराराचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये घर पोझेशन कधी देणार, तसेच लाभार्थ्यांना घर बांधेपर्यंत भाडे कसे देणार आदी सर्व समावेशक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला. दरम्यान सिडको अस्तित्वात आल्यानंतर वाशी सेक्टर 6 येथील बी टाईप ओनर्स असोसिएशन मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पूर्वी घरांच्या कमी क्षमतेमुळे पाहिजे असा उपभोग घेता येत नव्हता. मात्र आम्ही त्यांना आश्वासित करून कायमस्वरूपी पर्यायी निवास कराराच्या माध्यमातून खात्री करून याबाबतचा विश्वास देणार आहोत असे नलिन शर्मा आणि अभिषेक शर्मा यांनी सांगितले. मेट्रिकॉन रियल्टी का ये जो प्रोजेक्ट है गेटवे, पहले ये बी टाइप अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन था. जब भी हमने ये प्लॉट में एंट्री की, जब भी हमने ये प्लॉट लिया बनाने को डेवलपमेंट, तभी ग्राउंड प्लस 2 की 18 बिल्डिंग्स थी यहाँ पे. काफ़ी खराब हालत थी उसमें. और ये बिल्डिंग्स को लेके आज जो हमने एक साल डेढ़ साल में जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं साइट पे, तो इतने स्पीड से हमने कंस्ट्रक्शन किया है. और जैसे कि ये प्लॉट का एक रूप बदल दिया है. इसमें जो हमारी रीसेल की बिल्डिंग है, जो सेल की बिल्डिंग है और रिहैब की जो बिल्डिंग है, ये दोनों बिल्डिंगों का काम बहुत ही फास्ट स्पीड में चालू है. दोनों बिल्डिंगें काफ़ी प्रीमियम बन रही हैं. रिहैब बिल्डिंग में 288 फ्लैट्स हैं. वो 288 फ्लैट्स के साथ हमने एक्स्ट्रा अम्यूनिटीज़ वगैरह भी दी हैं. और जो सेल बिल्डिंग है गेटवे, तो वो गेटवे आज एक न्यू बॉम्बे में बेंचमार्क प्रोजेक्ट के जैसे माना जाता है. इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें जो अम्यूनिटीज़ वगैरह दी हैं, इसकी समझो ऐसी तुलना न्यू बॉम्बे में अभी एक बार बन जाएंगी तो होना मुश्किल है. तो हमने हमारा पूरा मेहनत करके और एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो बोलते हैं उसको क्रिएट करना है. क्योंकि जैसे आप जब भी हाईवे से न्यू बॉम्बे में एंटर करेंगे तो पहली बिल्डिंग जो आपको दिखेगी वो गेटवे दिखेगी. और हम न्यू बॉम्बे में रहते हैं, हम न्यू बॉम्बे में काम करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए कि लोग जब देखें तो बोले कि अरे वो प्रोजेक्ट है गेटवे, उधर रुका हूँ मैं, उधर पहुँचा हूँ मैं. तो एक लैंडमार्क इसको हम बनाएंगे. इसका एलिवेशन भी वैसे लिया गया है, इसकी एम्यूनिटीज़ वगैरह भी वैसे ली गई है. और मेन हमने इसमें ध्यान रखा है कि ये जो हमारा रिहैब कंपोनेंट है, इसका पेपर वर्क एकदम क्लियर रखा जाए. और ये PAAA देने का उद्देश्य यही है कि नई न्यू बॉम्बे में काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि आज तक किधर भी PAAA का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जैसा आज हमने किया है. PAAA इनका अधिकार है, इनको देना बहुत ज़रूरी है. इस कारण से हम और सोसाइटी साथ में बैठे और हमने बोला कि हम ये सब बाद में करने के बदले लॉटरी का ड्रॉ करके सबके फ्लैट्स अलॉट करके उनको उनका डॉक्यूमेंट हाथ में दे दे. आज आप बाहर जाके देखेंगे तो लोगों की खुशी जो है वो दिखती है. क्योंकि ठीक है डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बट आज हर इंडिविजुअल के हाथ में क्या है. तो आज ये PAAA के डिस्ट्रीब्यूशन से उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है. और ये कॉन्फिडेंस इनको देना बहुत जरूरी है कि लोग अपना घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं और हमारे पे पूरा अंधा आग बंद करके भरोसा करके लोग अपने घर छोड़ के गए हमारे हवाले करके. तो आज ये डॉक्यूमेंट से काफ़ी कुछ लोगों को कंफर्ट आई है और काफ़ी कुछ लोग खुश हुए हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने इतने जल्दी स्टेज पे किसी भी प्रोजेक्ट में किया है. अभी ये जो प्रोजेक्ट है हमने 2023 मई में चालू किया था. और इसमें टेनेंट का एक बिल्डिंग है और अपना सेल के लिए दो बिल्डिंग्स हैं. टोटली 288 टेनेंट्स हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेनेंट का बिल्डिंग जो है वो हम गणपति 25 डेट इज राउंड अबाउट सितंबर 25 में हैंड ओवर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं. आगे पीछे कोई तकलीफ आई तो 2-3 महीने आगे पीछे हो सकता है, बट हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको 25 तक दें. और ये पहली ऐसी सोसाइटी है जिसमें मैंने पहला सोसाइटी बोलो या कमेटी बोलो, वो लोग इतने कोऑपरेटिव रहे हमारे साथ में, इतने कोऑपरेट किया है कि वो कमेटी की वजह से
उनकी कंपनी की स्ट्रेंथ की वजह से आज वो जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है या जो लोगों ने जो खाली किया है, फिर आज जो हम लोग PEEE लोगों को दे रहे हैं, वो सिर्फ इस कमिटी और हम लोग का जो कॉपरेशन के वजह से ये सब पॉसिबल है। तो नवी मुंबई में PEEE देना 6 महीने के अंदर पहले टाइम हम लोगों ने दिया है, और ये अंडरवाइज कर देना चाहिए कि सबको देना ही है 6 महीने के अंदर, कारण लोगों का हक लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारे लिए। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में तो हमारी कंपनी साइड डेवलपर्स और गेटवे, वो तो देयर देयर इज नो क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। या कायमस्वरूपी पर्याय निवास करार बाबत बोलताना झालेली प्रक्रियेबद्दल नलिन शर्मा आणि अभिषेक शर्मा यांचे सदस्यांनी आभार मानले। जितेंद्र पटेल, चेयरमैन सीमी रेसिडेंसी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आज हमने बहुत सारे बिल्डर्स लोग आए, हमको कमिटमेंट दिया था, लेकिन किसी ने भी एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया था। तो मेट्रिकॉन रियल्टी के जो पार्टनर है हमारे, उनके साथ जो बात हुई, उन्होंने आज तक जो भी कमिटमेंट दिया पूरा किया है। जो एमिनिटीज उन्होंने हमने मांगी थी वो सब पूरी दे रहे हैं हम लोग को। जिस स्पेस में काम चल हुआ है बिल्डिंग का, हमको लग रहा है कि 1 साल में वो हमको बिल्डिंग का पजेशन भी दे देंगे। और आज हमने हमारा AGM था, और हमने आज PEEE डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें हम आज अभी PEEE डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक जो पहले बिल्डर है जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि 6 महीने के अंदर PEEE एग्जीक्यूट करके हम लोगों को आज PEEE दे रहे हैं। आम्ही खूप समाधानी आहोत। सर्वप्रथम माझी ओळख करून देते, मी ह्या सोसायटीची सेक्रेटरी सुगंधा शेलटकर। गेल्या वर्षभरात म्हणजे आज 10 महिने झाले आम्ही हँड ओव्हर केलं आमच्या डेव्हलपरला आमच्या सोसायटी बिल्डिंग्स रूम। 10 महिन्यात ह्या लोकांनी आता एवढं काम केलेलं आहे, आम्हाला विश्वास आहे की अजून 2 वर्ष, जसं आता डेव्हलपर म्हणतायत की 2 वर्षात आम्ही तुम्हाला देतो, आम्हाला वाटतंय की सगळ्यांना आपली हक्काची घरं सांगितलेल्या वेळापूर्वीच देतील। ब्युरो इनपुट, EW नेटवर्क।